हमीरपुर में तकनीकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पहुंचे प्रदेश शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिक्षा क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकाल में अनदेखी करने का आरोप लगाया है। भारद्वाज ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि वर्ष 2013 से 2017 तक शिक्षा विभाग पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पास था और उस समय में 6000 अध्यापक नियुक्त किए गए थे, लेकिन वर्तमान सरकार के 2 साल के कार्यकाल में 7500 से ज्यादा अध्यापकों की भर्ती की है। हमीरपुर में तकनीकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पहुंचे प्रदेश शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिक्षा क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकाल में अनदेखी करने का आरोप लगाया है। भारद्वाज ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि वर्ष 2013 से 2017 तक शिक्षा विभाग पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पास था और उस समय में 6000 अध्यापक नियुक्त किए गए थे, लेकिन वर्तमान सरकार के 2 साल के कार्यकाल में 7500 से ज्यादा अध्यापकों की भर्ती की है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2007 से लेकर अब तक प्रिंसिपलों की ACR और रेगुलराइजेशन नहीं की गई थी, जिसे BJP सरकार ने आते ही प्राथमिकता से करवाया है। हिंदुस्तान के सबसे प्रमुख मीडिया ग्रुप इंडिया टुडे द्वारा लगातार दूसरी साल स्टेट ऑफ द स्टेट्स अवार्ड इन बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के रूप में जो है वो दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में पिछली वर्ष भी अवार्ड दिया था, इस वर्ष भी उन्होंने जो है वो अवार्ड दिया है, और वो पूरे का पूरा जो अवार्ड जो देते हैं वो सारे सर्वे करा करके और पूरी जानकारी लेकर के जो है वो अवार्ड देते हैं, जिसका अर्थ है कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 वर्ष में कुछ ना कुछ हुआ है। हमने 2013 से 2017 तक श्री वीरभद्र सिंह जी के पास शिक्षा विभाग था, केवल मात्र 6000 टीचर्स अपॉइंट किए उन्होंने 5 सालों में। हमने पिछले 2 वर्षों में 7500 टीचर्स अपॉइंट कर चुके हैं एलिमेंट्री एजुकेशन में ही। हमारी जो हायर एजुकेशन है उसकी रिक्विजिशन ऑलरेडी लोक सेवा आयोग के पास है, और एलिमेंट्री एजुकेशन के भी बाकी स्ट्रीम्स के जो टीचर्स हैं उनकी रिक्विजिशन स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर के पास हम भेज चुके हुए हैं। इसके अतिरिक्त 2007 से लेकर के हिमाचल प्रदेश के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल्स की ACRs तक नहीं लिखी गई थी, रेगुलराइजेशन नहीं की गई थी, वो सब के सब प्लेसमेंट पर थे, रिटायर भी हो चुके थे बहुत सारे लोग। हमने वो सब की सब रेगुलराइजेशंस की हैं, 2016 तक के सभी लोग रेगुलराइज हो गए हैं, उसके बाद के हाईकोर्ट में केस हो गया, इसलिए 17-18 के जो है वो अभी पेंडिंग है। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि आगामी सत्र से प्रदेश के सभी स्कूलों में संस्कृत विषय को कक्षा 2 से पढ़ाया जाएगा और इसका सिलेबस भी तैयार कर लिया गया है। इसके अलावा स्कूलों में योगा और संगीत विषय को पाठ्यक्रम बतौर विषय शुरू किया जाएगा। कोर्सेज नए सब्जेक्ट शुरू करने का निश्चय किया है, जिसमें संस्कृत प्रमुख है। संस्कृत हम 2 कक्षा से पढ़ाने की हमने जो है वो निर्णय लिया है, जिसका सिलेबस जो है वो बनकर के तैयार हो गया है। संगीत, चेस और योगा, ये हम सब सिलेबस में इंक्लूड करने वाले हैं। हमने नशाखोरी के खिलाफ जो है वो चैप्टर्स अपने सिलेबस में इंक्लूड किए हैं। इसके अतिरिक्त हम गुणात्मक शिक्षा को बढ़ाने की दिशा में इंफ्रास्ट्रक्चर की क्रिएशन की दिशा में भी बढ़ रहे हैं, और उसके लिए हम जहाँ अपने संसाधनों से जो है वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं हमने आम जनता, आम समाज, विशेष रूप से जिस विद्यालय से कोई विद्यार्थी पढ़ कर के गया है वो उस विद्यार्थी को जो है कुछ पे बैक करे, इस दिशा में अखंड शिक्षा ज्योति अपने स्कूल से निकले मोती कार्यक्रम प्रारंभ किया है, जिसके बहुत अच्छे नतीजे जो हैं निकले हैं, और बहुत सारे स्कूलों में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसके कारण जो है पूरा हुआ है। पैरा PTA कंप्यूटर अध्यापकों के लिए पॉलिसी बनाने के प्रश्न पर भारद्वाज ने कहा कि पैरा अध्यापक और PTA अध्यापकों का मामला सुप्रीम कोर्ट में चला हुआ है और सरकार द्वारा अपना पक्ष भी कोर्ट में रख दिया गया है। उन्होंने कहा कि इनकी पॉलिसी पर कोर्ट के फैसले के बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। वहीं उन्होंने कहा कि कंप्यूटर अध्यापकों आउटसोर्स के आधार पर रखे गए हैं, लेकिन सरकार ने स्कूलों में IT शिक्षकों की भर्ती के लिए अनुभव वाले कंप्यूटर अध्यापकों की शर्त रखकर
आउटसोर्स कर्मचारियों को कुछ राहत देने की कोशिश की थी। पैरा पीटीए इत्यादि के बारे में आपने पूछा है, कंप्यूटर अलग है, कंप्यूटर टीचर जो है वो आउटसोर्स पर हैं। पैरा पीटीए और अपने पैट और ग्रामीण विकास विद्या उपासक जो हैं उनको हमने जो पे है वो रेगुलर स्केल के बराबर दी हैं, लेकिन हम रेगुलराइजेशन उनकी नहीं कर सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उनका मामला लंबित है। हम सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है उसको डिफेंड कर रहे हैं। सरकार की ओर से हमने पीएस पटवालिया जो है उसमें वकील जो है वो तय किए हैं, प्राइवेट पार्टीज पीटीए इत्यादि ने भी अपने वकील किए हैं, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निर्भर करेगा कि वो इस विषय में क्या जो है वो फैसला आता है। जब उनका फैसला आएगा उसी के बाद हम इसके अगले विषय पर रेगुलराइजेशन या क्या होगा उस पर जो है विचार कर सकेंगे। तो अभी तो हम कंप्यूटर टीचर्स की भी जो है वो आउटसोर्स पर हैं, कंपनीज के एम्प्लॉयज़ हैं, वो शिक्षा विभाग के एम्प्लॉयज़ नहीं हैं। आउटसोर्स में बदले भी जा सकते हैं लेकिन कंटिन्यू करते आ रहे हैं बहुत सारे लोग जिनको काफ़ी वर्ष हो गया, उनकी भी कोई पॉलिसी बने अभी तक कोई पॉलिसी नहीं है। आउटसोर्स पर हैं वो, जो मैं बता रहा हूँ, पॉलिसी कोई नहीं है उनकी जी। आगे के लिए जो है वो विचार करेंगे कि उनके पैसा बढ़ने के बारे में कुछ बात हो या कुछ और, क्योंकि हमारे आईपी टीचर्स अलग हैं, उनका जो है वो उसी में हमने जो कंप्यूटर टीचर और सोर्स हैं उनको राहत देने के लिए एक्सपीरियंस जोड़ा था, लेकिन वो कोर्ट में चैलेंज हुआ है। अब कोर्ट उसमें डिसाइड करेगी तो उसके हिसाब से हम उनको करेंगे। कार्यक्रम में वक्त चले, छोटे ब्रेक का ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।